हाई स्टूडेंट, आई एम रिमझिम फ्रॉम लेकिन ग्रुप द स्मार्ट चॉइस फॉर योर फ्यूचर। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 एसएन बुक फिजिक्स पेज नंबर 247 क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है देखते हैं। द फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन एंड ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन स्क्रीन मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। मीन्स कि अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो हमें देखना है कि मतलब इस क्वेश्चन में बहुत लोग मीन्स कि बहुत बच्चे क्या करेंगे, पढ़ के इसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 80 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो इमेज की डिस्टेंस दी गई है कि हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है ना। अब कैसे वो हम आगे समझेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक फिलामेंट है लैम्प जिसका मीन्स की 80 सेंटीमीटर वैल्यू दे रहा है। मैम यहाँ पे मीन्स एकदम क्लियर अभी क्वेश्चन नहीं बताने वाली हूँ, अभी पहले डायरेक्ट हम रीड कर लेंगे, फिर बाद में जब वो ट्विस्ट ओपन होगा हमारा तब क्वेश्चन और इजीली समझ में आएगा। अभी बता देंगे तो डायरेक्ट मीन्स की समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा। तो मैग्नीफाइड इमेज हम इतना देखते, कन्वर्जिंग लेंस दे रहा है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, रेडी हो गया, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, राइट। देन उसके बाद मैग्निफिकेशन कितना दे रहा है, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे एम इक्वल्स टू माइनस 3। क्यों हो जाएगा माइनस 3, रियल इमेज। रियल इमेज कैसे पता चला, इसमें तो कहीं दिया नहीं गया, लेकिन ये तो दिया गया है इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे, इमेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। तो ये हमारा यहाँ से हम ने मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहाँ पे आप पूछ रहा है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट। फिलामेंट मीन्स एक हमारा सपोज ये ऑब्जेक्ट है जो फिलामेंट है, तो यहाँ से इसकी लेंस की इतनी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो अब इससे क्या लग रहा होगा कि ये हमें फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करनी है। अब इससे इस क्वेश्चन को पढ़ के इतना हमें क्या लग रहा है कि ये हमें वी दिया होगा ना, है ना। यही तो लग रहा है कि यहाँ पे जब फिलामेंट फाइंड करना है, ये फिलामेंट हो गया हमारा और ये लेंस से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कह रहा है फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मीन्स की सबको क्या लगने लगेगा कि ये वी की वैल्यू दी गई है, मीन्स की वी क्या है, 80 है, V इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ये सबको लग रहा है कि V जो है मीन्स उसकी डिस्टेंस ऑफ द V या फिर इमेज कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो ये नहीं है ना, तो ये U है ना ये V है, ये U और V दोनों नहीं है, हमें दोनों ही फाइंड करना है। अब ये कैसे, तो ये किसकी वैल्यू दी गई है मीन्स ये क्या है वही हमें समझना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक बार और लगाया था, ऐसी टाइप का क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है फिर से देखते हैं कि एक फिलामेंट है ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर। एक फिलामेंट ऑफ ए लैम्प, अब यहाँ पे हम सीधे डायग्राम पे चलते हैं, हमें क्वेश्चन जब ऐसे नहीं समझ में आता तो हम डायग्राम पे जाके समझते तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है। फिलामेंट ऑफ ए लैम्प, एक ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, ये क्या हो गया फोकस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। अब थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या कह रहा है कि एक फिलामेंट है ऑफ ए लैम्प का, ये हमारा फिलामेंट है, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो फिलामेंट है। हम ऐसे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं रफली, ये फिलामेंट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। स्क्रीन से वो 80 सेंटीमीटर है ना कि लेंस से। लेंथ से 80 सेंटीमीटर होता मींस कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो फिलामेंट और जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन कहाँ, जहाँ पे इमेज बन रही है, स्क्रीन पे इमेज बन रही है। तो मींस कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 80 सेंटीमीटर, ना कि वी दी गई है ना ही यू दिया गया है, ओके। तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा मीन्स कि क्वेश्चन को समझने के लिए अच्छे से हम सपोज कर लेते हैं कि इमेज जो है ये स्क्रीन एक यहाँ पे है, ठीक है,
मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ, ये फिलामेंट हो गया, ये स्क्रीन है, यहाँ पे इमेज ऐसे बन रही है जिस तरीके से रियल और इन्वर्टेड है, तो कुछ डाउनवर्ड्स की साइड में मीन्स इधर तो नहीं बनेगी, लेकिन सपोज कर ले रहे हैं कि हम इधर ही बन रही है। यहाँ पे डायग्राम बनाने को तो हमें दिया नहीं गया है, तो हम जैसे इमेजिन कर ले रहे हैं वैसे ही हम करेंगे, लेकिन आपको ये डायग्राम दिखाना नहीं, आप चाहे तो रफ वर्क में कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे मान लो कि जैसे रियल इन्वर्टेड तो हमारा इधर ही बनता, लेकिन उधर से हम थोड़ा क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते कि ऐसे डिस्टेंस कैसे ले, क्या करें। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सपोज ये इमेज जो हो गई हमारी वी, हम लिख लेते हैं, या तो ये जो हमारी डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसे हम वी लिखते हैं, इसे यू लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ? हमें दिया क्या गया था, एम दिया है पहले से, उसको हमें ध्यान ही नहीं देना है, उसको हमने लिख लिया, अब वो अलग हो गया। इधर हमें पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मेन पॉइंट यहीं तक है, इस कॉमा तक, बस हमें ये समझ लेना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फिलामेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं फिलामेंट ऑफ ए लैम्प, जो फिलामेंट है लैम्प, ये इसका और इसके बीच का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर दे रहा है। अब समझ में आया यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। ए फिलामेंट ऑफ लैम्प जो है एक स्क्रीन से, उसके बीच की जो डिस्टेंस है स्क्रीन और फिलामेंट ऑफ द लैम्प की, वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये जब हमारा 80 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस दी गई है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब इसकी वैल्यू 80 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम कैसे इसे लिख सकते हैं, मीन्स कि हमें अगर इक्वेशन एक टाइप का बनाना होगा, मैथ में थोड़ा चलते हैं, वहाँ पे हमें इक्वेशन बनाना रहता है, तो अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो हम किस टाइप से बनाएंगे। ये हमारा माइनस यू प्लस वी इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, कैसे हुआ ये हमें जानना है ना। तो यू जो है हम मीन्स कि फिलामेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 80 है ना, तो ये हमारा कितना है v, ये पूरा हो गया, u इतना हो गया। अब वैसे थोड़ा देख लेते हैं, v ये पूरे डिस्टेंस है, 80 प्लस u करेंगे, तो अब समझ में आया, थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है फिर से देख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है इमेज से, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द इमेज स्क्रीन से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस हमने v मानी है, तो v हो गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस हमने u मानी है, u हो गया, और ये क्या है 80, तो मीन्स 80 में जब हम u जोड़ देंगे तो हमारा v आ जाएगा, बस यही हमें क्लियर करना था, तो हमने यहाँ पे कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमें v तो फाइंड करना ही नहीं है, v मीन्स हमें फाइंड तो करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो हम उस अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने इस इक्वेशन को क्या करा, उसे देख लेते हैं। ये जो प्लस यू है उसको इधर लिया है, माइनस यू हो गया, ये वाला तो प्लस वी इधर रहेगा ही, उधर हमने लिख दिया 80, यही बन गया आपका इक्वेशन। आई होप आपको ये इक्वेशन क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो हम यहाँ पे क्या करा हमने कि वी ए जो है मीन्स हमारा ये स्क्रीन है, स्क्रीन से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी, हम वी लेते हैं, ये हमने बहुत बार करा है तो हमें ये पता है। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम यू लेते हैं, ये हो गया। यहाँ हमें अपने आप ही दिख रहा है कि वी जो है पूरा डिस्टेंस दिया गया है, और 80 और यू को हम जब जोड़ देंगे तो हमारी वी की वैल्यू आ जाएगी, तो वही हमने इक्वेशन सेम एज इट इज ये बनाया, तो हमारी ये वैल्यू मीन्स कि हमने इस टाइप का इक्वेशन बना लिया। इसको चाहे तो आप बॉक्स में भी रख सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, ये पूरा मीन्स हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये स्क्रीन और वो सब, तो अब हमें बस सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू v बाई यू है ना, तो m है माइनस थ्री इक्वल्स टू v बाई यू, यू हम इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, थ्री यू इक्वल्स टू v, मीन्स एक तो ये इक्वेशन तो हमारा बना हुआ है ऑलरेडी,
एक हमें और मिल गया कि यू वी की जो वैल्यू है मीन्स की वी इक्वल्स टू माइनस थ्री यू, वी की वैल्यू क्या माइनस थ्री यू। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या लिखेंगे हम थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्म में इसकी वैल्यू में सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हम लिख सकते हैं नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी वो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री यू, मीन्स की v की जगह पे हम क्या लिख देंगे माइनस थ्री यू, तो माइनस यू और इधर क्या है माइनस वी, प्लस वी की जगह पे क्या प्लस वी की जगह पे माइनस थ्री यू लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या हुआ हमने करा क्या v इक्वल्स टू माइनस थ्री यू, ये हमें मैग्निफिकेशन से वैल्यू आ गई। उसके बाद इसी को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया और ये कुछ ऐसा आ गया माइनस यू माइनस थ्री यू माइनस माइनस प्लस फोर यू इक्वल्स टू एट्टी माइनस यू इक्वल्स टू एट्टी बाई फोर। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे फोर वन फोर फोर टू जो एट्टी, यू इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर। माइनस में तो हमारी वैल्यू आनी ही थी क्योंकि यू हमेशा माइनस में ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट डायरेक्शन में रहता है। तो यू की वैल्यू आ गई हमारी माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डायग्राम से अब कोई मतलब नहीं, हमने डायग्राम से समझाने के लिए लिया हुआ था इसमें। अब हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, हमने फाइंड कर लिया फिलामेंट जो लैम्प था और लेंस के बीच की डिस्टेंस, हमने उतनी दूरी की डिस्टेंस फाइंड कर ली, यू फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है एफ, तो एफ को फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वी की वैल्यू, तभी तो हम एफ फाइंड करेंगे। तो वी की वैल्यू चाहे तो आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये शॉर्ट से इक्वेशन फर्स्ट से मीन्स के जो हमारी इक्वेशन सेकेंड है उससे सॉल्व करते हैं। यू की वैल्यू है माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू वी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिक्सटी सेंटीमीटर इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गई। आप चाहे यहाँ से भी करके देख ले वही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उसके बाद बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई बी की जगह पे 60 और माइनस यू की जगह पे माइनस 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कर दिया 1 बाई एफ इक्वल्स टू यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम 60, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 23 जा 60 होते तो 1 3 जा 3, तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू 4 बाई 60। अब एफ इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 60 बाई 4 आ जाएगा, तो 4 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20, एफ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी वैल्यू एफ की। तो हमने मीन्स की वी भी फाइंड कर लिया, यू भी फाइंड कर लिया और एफ भी फाइंड कर लिया, हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब इसके बेस पे आप चाहे तो रे डायग्राम बना सकते हैं। अब हमारा रे डायग्राम में पता चल जाएगा कि स्क्रीन कहाँ पे प्लेस थी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, फोकल लेंथ की डिस्टेंस क्या थी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द क्लास।